लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चिरंजीवी रहो लोकुर, तुम्हारा यश सर्वत्र फैले, अपने कुल का नाम उज्जवल करो। हम पूजा के लिए फूल ले आए गुरुदेव। यहाँ रखो और मेरे पास आकर बैठो। आओ गुरुदेव, आपने कहा था आप हमें रामायण की आगे की कथा का विवरण सुनाएंगे, हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। मैं जानता हूँ बालकों, तुम्हें रामायण की कथा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं उसे संक्षिप्त रूप में फिर से लिख रहा हूँ ताकि तुम उसे गाकर सुनो। हम उसे गाकर सुनेंगे, खुश तब तो और भी आनंद आएगा। हमें सिखाइए ना गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। लवकुश, समय आने पर गुरुदेव तुम्हें अवश्य सिखाएंगे, तुम्हें तनिक धैर्य रखना चाहिए पुत्र। बैठो जानकी। सीते, तुम्हारे ये दोनों पुत्र अत्यंत प्रतिभावान हैं, इनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, इसलिए शीघ्रता पूर्वक ये सब कुछ सीख जाना चाहते हैं। मैं इनकी जिज्ञासा को अपूर्ण रहने देना नहीं चाहता। भला रामायण का गायक इन दोनों से अच्छा कौन हो सकता है? नारायण नारायण। नारायण नारायण। ऋषि कुमारों, तुम दोनों ने मुझे कैसे पहचाना? आपके रूप का वर्णन हमने गुरुदेव से रामायण में सुना है, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। हाँ? आप भगवान विष्णु के परम भक्त है ना? धन्य हो ऋषि कुमारों, धन्य हो। महर्षि वाल्मीकि, क्या आपने इन बालकों को रामायण की पूरी कथा सुना डाली? स्थान ग्रहण कीजिए देवर्षि, रामायण की कथा अभी अधूरी है, बहुत कुछ शेष है। ऋषिवर, मैं उसी शेष रामायण के बारे में जानने के लिए ही तो यहाँ आया था। क्या मुझे आप श्री राम के जीवन की कथाओं का कुछ संकेत दे सकते हैं? नहीं देवर्षि, परमपिता ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई दिव्य दृष्टि से जो कुछ मैं देख रहा हूँ अभी तक लिख नहीं पाया हूँ। जब तक लिख नहीं लेता कुछ पता भी नहीं सकता। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। अच्छा बालकों, ये बताओ कि रामायण में तुम्हारा सबसे प्रिय चरित्र कौन सा है? बजरंग बली हनुमान। हाँ देवर्षि, महावीर हनुमान का नाम सुनते ही हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। क्या हम हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं? अवश्य अवश्य। जो जब चाहता है हनुमान उसे दर्शन देकर कृतार्थ कर देते हैं। हो सकता है इस समय हनुमान भी तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हो। ये तो मेरा अनुमान है बालकों, हनुमान मेरे शिष्य रह चुके हैं, इसीलिए उनकी महानता से मैं परिचित हूँ। अच्छा ऋषिवर, मैं यहाँ आपके दर्शनों के लिए आया था, मेरी कामना पूर्ण हुई, अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतने शीघ्र आप कैसे प्रस्थान कर सकते हैं देवर्षि? कुछ दिन हमारे आश्रम का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नहीं ऋषिवर, नारद कहीं अधिक समय तक ठहर नहीं सकता, आप तो जानते हैं कि नारद तो रमता जोगी है। और रमता जोगी बहता पानी एक जगह नहीं रुक सकता है ना देवर्षि। नारायण नारायण।